करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। देखो अब सपोज करो आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है, एक रिंग है, इसमें करंट है। अब मुझे ये पता है, बाइट सबर्ट लॉ से हमने डिस्कस किया था कि अगर करंट कैरिंग लूप है और वो अपने सेंटर पे बी जनरेट करता है, अगर कोई करंट कैरिंग लूप सेंटर पे बी जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली वो कोई मैग्नेट भी जनरेट करता है, बार मैग्नेट भी तो बी जनरेट करता है, ये भी बी जनरेट करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, तभी तो बी जनरेट हो रहा है, तो करंट कैरिंग लूप एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब कोई ये बोलता है कि अगर करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेट है तो फिर उसके पोल्स बताओ क्या होंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि यार वो बार मैग्नेट थोड़े ना, मैं पोल्स दिखाऊंगा नॉर्थ एंड साउथ ऑब्वियसली, तो इमेजिनरी पोल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि उसने बी जनरेट कर दिया। तो आपको पोल्स डिसाइड तो करने पड़ेंगे। कैसे डिसाइड करते हैं? अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है सच दैट करंट उसमें क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से ये वाला पोल क्या करेगा, लाइक साउथ जैसे सोलेनोइड में था, पर आपकी तरफ से वो एंड क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको क्या नजर आएगा, पोल नॉर्थ, साउथ एंड नॉर्थ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो एक तरफ से पोल साउथ है, एक तरफ से पोल नॉर्थ है, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होगी, मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है, अब ये नॉर्थ है, आपकी तरफ से ये चेंज होते रहेंगे, बार बार इतना फिक्स नहीं है, ये डिसाइड करेगा करंट कैसे। और ये इमेजिनरी पोल्स हैं, मतलब सच में आपको पोल मिलने वाले हैं नहीं, पर क्योंकि ये बी जनरेट करता है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पर बी, अगर बी जनरेट हो रहा है तो पोल्स तो इसमें है ही है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। अब इसमें करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल में ये डिसाइड हो गया कि लूप बी जनरेट करता है, इसके पोल्स इमेजिन करेंगे, तो अगर पोल्स इमेजिन कर लिए, बी जनरेट करता है, ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। तो कोई कहता है इसमें क्या है, स्मॉल एम इंटू टू एल, अभी किया था, स्मॉल एम तो बार मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है, करंट कैरिंग लूप का थोड़ी ना स्मॉल एम होता है, वो तो चलो आपने कहा पो इमेजिन कर दो, हमने इमेजिन कर दिया, पोल स्ट्रेंथ नहीं होती करंट कैरिंग लूप की। पर मैं क्योंकि बोल चुका हूँ कि कैपिटल बी तो इसमें जनरेट होता ही है, मैग्नेट की तरह काम करता ही है, चाहे इमेजिनरी मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो होगा ही होगा, लेकिन वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम निकालने का तरीका डिफरेंट होगा। तो करंट कैरिंग लूप में कैपिटल एम कैसे निकलता है? करंट कैरिंग लूप में कैपिटल एम डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकलता है इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई। तो जितना ज्यादा करंट होगा लूप में कैपिटल एम उतना ही ज्यादा होगा, इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप ए। इन्हें कंबाइन करेंगे करंट इंटू एरिया, के इसमें वन होता है, तो कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या आ गया, आई इंटू ए। तो अब आपके पास दो टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी क्वेश्चन में, या तो आपको बार मैग्नेट दे देगा, तो अगर तो वो आपको बार मैग्नेट देता है, ठीक है, अगर तो वो आपको कहता है ठीक है एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है सच दैट ये इसकी पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है और डिस्टेंस 2L है, तो कैपिटल एम की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताएंगे, स्मॉल एम इंटू 2L, एक, या फिर आपको वो क्या देगा, करंट कैरिंग वायर देगा। तो करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, करंट इंटू एरिया, दोनों के फॉर्मूला डिफरेंट है, तो यानी कि अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा अगर बार मैग्नेट है तो ये फॉर्मूला, अगर करंट कैरिंग लूप है तो ये फॉर्मूला। कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर, आप लिखते हो प्लीज ब्लैक पेन का यूज करें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ब्लर है, खाली वही कलर ठीक से विजिबल है। तो इसमें करंट कैरिंग जो लूप है कैपिटल एम इज करंट इंटू एरिया, और कैपिटल एम का फॉर्मूला जो इस केस में स्मॉल m इंटू कितना 2l, राइट। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो दो कैटेगरी के आएंगे, या तो करंट कैरिंग लूप के आएंगे या बार मैग्नेट के आएंगे, तो हम दोनों में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज लगाएंगे। तो ठीक हो गया यहाँ तक। अब आगे अगर चल रहे हैं तो क्योंकि कैपिटल m की डायरेक्शन, क्योंकि कैपिटल m इज अ वेक्टर, तो अगर मैं ये पूछूं कि कैपिटल m की डायरेक्शन बोलो यहाँ पर क्या है, तो मैंने आपको सिखाई कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये साउथ है, तो कैपिटल m is from north to south, तो capital M magnetic dipole moment है, वो कहाँ से कहाँ है, south to north, ठीक है यहाँ तक। लेकिन इसमें rule कैसे चलेगा, pole दिख ही नहीं रहे, तो capital M की direction कैसे निकलेगी, इसका rule अलग है capital M निकालने का। क्या rule है, right hand ले, current के साथ घुमा दे, तो thumb कहाँ रहे, ऊपर, तो ये रहा आपका capital, जैसे B नहीं निकाला था, B सर्कुलर लूप है, वैसे ही कैपिटल एम सेम रूल है।
तो बी का और कैपिटल एम का रूल सेम है, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो अगर तो बार मैग्नेट आ गया फिर तो साउथ से नॉर्थ, और अगर करंट कैरिंग लूप आ गया तो करंट के साथ चार फिंगर्स भी आपको जो कैपिटल एम है वो थंब दे देगा। क्लियर है? तो अपवर्ड्स है। इसमें अगर मैं ये पूछूं कि एरिया वेक्टर क्या होगा इस रिंग का, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया, तो परपेंडिकुलर ऊपर लू कि नीचे लू, कैसे डिसाइड करते हैं? ऊपर लें, क्योंकि जो डायरेक्शन एम की होगी वही डायरेक्शन ए की भी होगी। तो अगर एम का निकालने का रूल ये है कि करंट के साथ चार फिंगर तो एम, तो एरिया का भी यही रूल है, चार फिंगर करंट के साथ तो एरिया वेक्टर ऊपर। तो पॉइंट क्लियर है, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों के न्यूमेरिकल्स अलग हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक, इसके बाद